हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? सो दोस्तों, आज मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है जिनको मैं कार को पार्किंग करना, कार को पैरेलल पार्किंग और बहुत सारी बैक की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो हम बात कर लेते हैं। उस साइड वाली भी थोड़ी सी खिड़की खोल लो, उधर वाली भी हल्की सी। हाँ बस बस बस, पूरी मत खोलो, ये थोड़ी सी ऊपर हल्की सी कर लो। बस बस बस, डेस्ट ना है आपका। राइट वाला ORB मर्जेस्ट है, लेफ्ट वाला ठीक है। अब देखो, आज मैं आपको जो बैक करने का तरीका बताऊंगा थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जैसे नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, इसको देख के बैक करते हैं। आज आपको गर्दन घुमा के उधर बैक करना है। गाड़ी न्यूट्रल है या गियर में है? न्यूट्रल करो उसको। हाँ, अब थोड़ा सा आप अपनी बॉडी को उस साइड घुमाओ, उधर देखो बैक वाला शीशा, थोड़ा टेढ़े होके बैठो। हाँ, पूरा बैक साइड आपको दिखना चाहिए। दिख रहा है? जो लेफ्ट और राइट वाले ORBM में आप देखती हो, तो लेफ्ट और राइट वाले ORBM में इतना ज़्यादा नहीं दिख पाता है आपको, ठीक है। अब आप ज़रा पीछे मुड़ के देखो, ठीक है, और मुड़ो थोड़ा सा, और बॉडी को थोड़ा टेढ़ा करो, ठीक। अब प्रॉपर दिख रहा है बैक साइड? हाँ, ऐसे ज्यादा समझ में आ रहा है या वैसे ज्यादा समझ में आ रहा था साइड वाले मिरर में देख के? अब समझ में भी तो उसमें भी इसमें ज्यादा क्लियर दिख रहा है। इसमें ज्यादा क्लियर दिख रहा है ना। चलो आज थोड़ा सा ऐसे ट्राई करते हैं। चलो अभी जाओ बैक में। हाँ, अभी स्टीयरिंग सीधा है आपका एकदम, बहुत लाइटली, बहुत आप अपना दिमाग लगा के चलाओ आज कि आप क्या करना चाहती हो, कहाँ ले जाना चाहती हो, कहाँ पे पार्क करना चाहती हो, किस पेड़ का आप सर्कल बनाना चाहती हो। हाँ क्योंकि बैक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है दोस्तों, और सीधा सीधा चलाना बहुत इजी है, लेकिन जब बात आती है थोड़ा सा बैक करने की, तो बैक में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हाँ अभी इन्होंने देखो क्या किया, इन्होंने पूरा स्टीयरिंग राइट घुमा दिया, और राइट साइड घुमाने के बाद ये धीरे 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 अपना जजमेंट जो है, ये देखो इतना बारीकी से इन्होंने टर्न किया है, बहुत बारीकी से टर्न किया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्योंकि स्टीयरिंग अभी इन्होंने पूरा 90 डिग्री से राइट घुमा दिया है, फुल 90 डिग्री से स्टीयरिंग को राइट इन्होंने घुमाया है। तो ये देखो राइट घुमाने के बाद ये अभी आप यहाँ पे देखिएगा कितना बारीकी से, ये कितना कम स्पेस है ये। तो ये थोड़ा सा समझना है, क्योंकि हमें स्टीयरिंग का ही आइडिया नहीं मिल पाता है कि हम स्टीयरिंग किस साइड घुमा रहे, तो हमारी कार की जो बॉडी है बैक साइड वाली वो किस साइड जाएगी। तो इसके लिए आपको स्टीयरिंग को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि स्टीयरिंग लेफ्ट पूरा फुल घुमाने से कार का बैक साइड वाला हिस्सा किस डायरेक्शन में मूव करेगा, और स्टीयरिंग को पूरा राइट घुमाने से तो कार का बैक साइड हिस्सा कहाँ जाएगा। अभी इन्होंने स्टीयरिंग को पूरा 90 डिग्री से राइट घुमा रखा है, फ्रंट हो चाहे बैक हो, अगर आप अभी इसी डायरेक्शन में अगर ये फर्स्ट गियर डाल देती स्टीयरिंग के, तो इनकी जो कार है वो आगे की तरफ राइट टर्न करेगी। अब इन्होंने पूरा क्लच लिया, देन ब्रेक लेके गाड़ी को रोक दिया है, और यहाँ पे इन्होंने गियर कर लिया है फर्स्ट, बट अभी इन्होंने झटके से क्लच छोड़ा, जिसकी वजह से कार का इंजन बुझ गया। क्लच कभी भी झटके से रिलीज नहीं करते, इक्वल प्रेशर से क्लच को रिलीज करते 1 2 3 4 5 करके, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि कभी भी कार में जर्क नहीं आता है और कार का इंजन बुझता नहीं है। आज मैंने पूरा इनको कंट्रोल दिया है कि आज आप अपनी आप ही बैक करो, जो भी आपको करना है, जैसे भी करना चाहते हो आप, जो चीज़ भी करना चाहते हो वो करो अपना दिमाग लगा के। अब इन्होंने इस पेड़ का पहले सर्कल बनाया था, अब इस पेड़ का ये सर्कल बनाने जा रही है अपना माइंड लगा के। हाँ अब यहाँ पे देखो बात आती है ना पेड़ की, कि जो पेड़ है उससे हम कितनी दूरी बना के निकालेंगे, कितना टर्न करेंगे स्टीयरिंग, जिससे कि ईजिली हमारी कार निकल जाए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सारा जो गेम है वो स्टीयरिंग का है, कहाँ पे लेफ्ट टर्न करना है, कहाँ पे राइट टर्न करना है, ये सारी चीज़ें जो बारीकियाँ हैं थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ पे स्टीयरिंग का रोल ये है ना दोस्तों, कि हम कार के अंदर बैठे हैं
और हमारी नज़रें बैक साइड में हैं, राइट वाले ORBM में, लेफ़्ट वाले ORBM में, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा काट दी। स्टॉप, बेटा इसका AC ऑफ कर लो, AC ऑन हो रखा है, ऑफ है, फैन भी ऑफ कर दो। चलो ठीक है, चलो स्लो 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 स्लो, बहुत स्लो, टकरा जाएगी, टकरा जाएगी, टकरा जाएगी, यहाँ पे टकरा जाएगी। अगर आपको इसको देखना है तो बहुत धीरे धीरे लेके आओ, बहुत धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, हाँ, और धीरे धीरे, और बहुत धीरे धीरे, हाँ, चलो धीरे धीरे जाओ 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 जाओ, और जाओ और जाओ और जाओ, जाने दो, और जाओ, निकल गई। बस मुश्किल से 3 से 4 इंच स्पेस बचा था। तो अगर आप रैंडम में तेज़ी से निकालते तो भिड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ना, इसलिए कभी भी एकदम से नहीं बढ़ाना है। अगर ऐसा आपको लगता है कभी भी, तो थोड़ा सा बस ये ध्यान देना है कि गाड़ी एकदम धीरे धीरे निकालोगे तो बच जाएगी। जाओ ले जाओ, आइडिया नहीं, तो उसके लिए क्या होता है ना कि जैसे आपको इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो थोड़ा स्पेस ज़्यादा मेंटेन कर लो कि चांस ही ना रहे भिड़ने का, ठीक है। अभी बैक में ले चलो, सीधी करो स्टीयरिंग, सीधी करो, हाँ, और बस अब सीधा सीधा पीछे जाओ। थोड़ा सा मैं आपको पैरेलल पार्किंग करना सिखाता हूँ, बस स्टॉप करो, स्टॉप। अब सपोज़ मान लो आपको इतनी जगह में गाड़ी को खड़ा करना है, ये जो पेड़ दिख रहा है इस पेड़ की डायरेक्शन में गाड़ी को लगाना है, इसको पैरेलल पार्किंग कहते हैं। या मान लो इतनी जगह में ऐसे सीधी सीधी लगानी है, यहाँ पे सीधी सीधी इसके बीच में खड़ी करनी, तो कार पहले वहाँ लेके जाओ, सीधा जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में रखो, सीधा सीधा, हाँ, और जाने दो, और स्टॉप कर दो, ठीक है। थोड़ा सा और आगे ले लो, हल्का सा, बस अब राइट घुमा दो, पूरी स्टीयरिंग फुल बैक गियर में, हाँ, जाओ अब धीरे धीरे आने दो, अपना राइट वाला मिरर चेक करो, धीरे धीरे आने दो, हाँ आने दो, और आने दो, और स्टॉप, थोड़ा सा और आओ हल्का, बस अब लेफ्ट घुमा दो, पूरी स्टीयरिंग फुल फुल घुमा दो, फुल, अब आ जाओ, हाँ आने दो, धीरे धीरे आने दो, और आ जाओ, और आ जाओ, और स्टॉप, बस अब टायर सीधा करो, बस सीधा हो गया, गाड़ी सीधी है। अब गाड़ी हैंडब्रेक लगाओ, जरा उतर के आओ और देखो अपनी गाड़ी की डायरेक्शन, जब भी गाड़ी से उतरना तो हैंडब्रेक जरूर खींच देना, या तो किसी भी गियर में कार को डाल दो। अब देखो जैसे पैरेलल पार्किंग होती घर के किनारे खड़ी करना, या देखो पीछे देखो कितना स्पेस है, हमेशा थोड़ा सा स्पेस इसलिए पीछे बना के रखना चाहिए कि बाय द वे मान लो आपके सामने कोई कार आके सटा के लगा दे तो इतना स्पेस आपके पास है, आप इसको बैक में लोगे और इजीली निकल जाओगे। अब ये मान लो कि आपके आगे स्पेस नहीं है, गाड़ी तो आपने बहुत अच्छे से लगाया, अब मान लो कोई दूसरा कार वाला आया और उसने सटा के लगा दिया, इतना स्पेस, अब इतनी जगह यहाँ पे उसकी गाड़ी है, ठीक, आप कितनी जगह में कैसे निकालोगी, तो उसके लिए क्या करना है, बैठो गाड़ी में बताता हूँ। अभी आपने पीछे का आइडिया ले लिया ना कि पीछे लगभग 2 फीट का मार्जिन है ना, चलो अब बैठो फिर बताता हूँ मैं। कार को बैक में ले जाना है पीछे, ठीक है,
अब जिस डायरेक्शन में हो स्टेयरिंग सीधा रखो, एकदम सीधा, हाँ पीछे जाओ करीब, लगभग लगभग अप्रॉक्स मान के चलो 2 फीट जाना है, और बस अब खड़ी गाड़ी को पूरा लेफ्ट घुमा दो 90 डिग्री से स्टेयरिंग। अब देखो 2 फीट पीछे आप ले गई और 1 से 1.5 फीट आगे मार्जिन था, 3 साढ़े 3 फीट का मार्जिन हो गया, पूरी काट दो। अब जाओ निकाल लो पहला गियर करके, बस अब ऐसी कंडीशन में थोड़ा बस इधर ध्यान देना, निकल जाएगी इजीली, निकल जाएगी, निकल गई। अभी एक बार इसको फिर पैरेलल पार्किंग में लगाना है। अभी एक राउंड मार के आओ, एक पूरा राउंड मार के आओ, जीरो बना के आओ पेड़ का। पूरी घुमा दो फुल, नहीं नहीं सीधा नहीं, अब इतने में लगवा दूंगा, पूरी राइट घुमा दो स्टीयरिंग खड़ी गाड़ी। जाओ आ जाओ, आने दो आने दो, और आने दो, और कटी रहन दो, फुल कटी रहन दो, कटी रहन दो, कटी रहन दो, कटी रहन दो, फुल कटी रहन दो, फुल कटी रहन दो, हाँ जाने दो, और जाओ और जाओ और जाओ और जाओ और स्टॉप। बस अब आपको पता है क्या देखना था, वो चीज़ वहाँ राइट वाला जो था उसको देखना था, थोड़ा सा और आओ पीछे, राइट में दिख रहा है, थोड़ा सा जाओ हल्का सा, बस अब इसको करो फर्स्ट गियर में, स्टीयरिंग कर लो सीधा, हल्का सा लेफ्ट दबाओ मेरी तरफ, बस सीधी करो, बस सीधी करना होता है। अब ज़्यादा कभी कभी स्टीयरिंग घुमा देती हो, ठीक है। अब देखो इस बार एकदम एक ही बार में लग गई, खड़ी हो गई, इस वाले पेड़ से सटा के लगवाई मैंने, बैक साइड वाले से लग गई, हो गया। अब इस पेड़ को लेके और इस पेड़ को लेके आपको एट बनाना है, ये थोड़ा छोटा एरिया है, बट एक चीज़ का ध्यान देना, वो सामने टियागो खड़ी, वो टकरानी नहीं चाहिए। जाओ। सो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।